हेलो दोस्तों, दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, आज मैं ये पुदीना से वाइन बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों पुदीना से वाइन पहले भी मैं बना चुका हूँ, ये बहुत बढ़िया वाइन बनती है। तो दोस्तों इसको डिस्टिल करके इसका दारू बनाना हो तो वो भी बहुत बढ़िया बनता है, बहुत बढ़िया पुदीने का फ्लेवर आता है उसमें। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने ये फ्रेश पुदीना लिया है, आज मैं इससे वाइन बनाने जा रहा हूँ। तो आपको फुल रेसिपी बताता हूँ। दोस्तों पुदीना कई प्रकार का होता है। दोस्तों एक पुदीने का प्लांट तुलसी जैसा होता है, तो वो भी आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसकी गंध अलग होती है। दोस्तों एक पुदीना और होता है, उसको अमरतारा कह दिया जाता है, लोग उसको पुदीना कह देते हैं, वैसे उसका नाम अमरदारा होता है। तो आप अमरदारा का वाइन भी बना सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया ठंडा ठंडा गले को लगने वाला वाइन बनता है। तो दोस्तों जैसे पुदीना चटनी बनाने वाला होता है, मैं इससे वाइन बनाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, भारतवर्ष में इस पुदीना का चटनी खाया जाता है, या दोस्तों जलजीरा बनाया जाता है। तो दोस्तों ये देखिए, छोटा घासनुमा जो पुदीना है, मैं इससे वाइन बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको फुल रेसिपी बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले मैं पुदीना को धो लेता हूँ, इसको अच्छी तरह से धो लेना है ताकि धूल मिट्टी वगैरह जो है इसमें से निकल जाए। दोस्तों पुदीना को मैं धो लिए हूँ, अभी दोस्तों इसके जो बड़े बड़े डंठल है वो मैं इसमें से निकाल दूंगा। अगर आप चाहो तो ये डंठल भी साथ में उबाल सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसके बड़े बड़े डंठल अलग कर रहा हूँ। यह देखिए दोस्तों, ये थोड़े से जो बड़े बड़े डंठल थे वो मैंने निकाल दिए हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले हमने ये बर्तन में पानी डालकर अच्छे से पानी को गर्म कर लेना है, बाद में हम इसमें पुदीना डालेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैं इसमें 2.25 लीटर के करीब पानी डालकर गर्म करूँगा। दोस्तों जिस जार में मैं इसको बनाने जा रहा हूँ वो 2.5 लीटर का है, तो ये देखिए मैं 2.25 लीटर पानी इसमें डालकर गर्म कर लेता हूँ। दोस्तों यह देखिए, पानी उबलना शुरू हो चुका है, तो ये देखिए मैं इसमें पुदीना डाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये पुदीना डालकर हमने इसमें तकरीबन 15 या 20 मिनट तक इसको पकाना है, चाहे तो आप आधा घंटा भी इसको पका सकते हो। तो दोस्तों कई लोग इसको पकाते नहीं हैं, सिर्फ गर्म पानी में ऐसे ही डालकर छोड़ देते हैं, तो वह आप वो वाला तरीका भी कर सकते हो, लेकिन दोस्तों मैं इसको अच्छी तरह उबालूँगा पहले, ताकि ये पुदीना का कलर और फ्लेवर पानी में निकल जाए। तो ये देखिए, इसको मैं 15 या 20 मिनट तक पानी में पकाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए, थोड़ी सी मैं इसमें सौंफ डाल देता हूँ, आप चाहो तो साथ में ही लौंग, इलायची और दालचीनी भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वह बाद में डालूँगा। अभी मैं ये देखिए इसमें सौंफ डाल लेता हूँ। यह देखिए दोस्तों, पानी में आपको कलर नज़र आ रहा होगा, जो पुदीना का कलर छूटना शुरू हो चुका है, जो देखिए पानी में। तो इसको अभी मैं 15-20 मिनट तक और पकाऊंगा। तो दोस्तों अभी इसको मैं ढक कर रख देता हूँ, ऐसे ही 15-20 मिनट पकने देता हूँ। तो दोस्तों गोल 15-20 मिनट पक चुका है, ये देखिए अभी इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा ठंडा होने के लिए। जब यह ठंडा हो जाएगा तो दोस्तों फिर मैं इससे वाइन बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी ऐसे छोड़ देता हूँ ठंडा होने के लिए। तो दोस्तों गोल को पड़े हुए 2 घंटा हो चुका है, तो ये देखिए अभी तक ये पूरा ठंडा नहीं हुआ है, ये अभी भी गर्म है। तो अभी मैं इसको ठंडा पानी में रख कर ठंडा कर लेता हूँ, फिर मैं इससे वाइन बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं।
दोस्तों ये देखिए जी, इस थाल में ठंडा पानी डालकर मैं इस बर्तन को इसमें रख देता हूँ ताकि ये गोल ठंडा हो जाए। दोस्तों जब तक गोल ठंडा होता है हम तब तक शुगर को घोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं हमेशा की तरह ये देसी खांड ही उपयोग करने जा रहा हूँ। दोस्तों इससे वाइन ज़्यादा बढ़िया बनता है क्योंकि दोस्तों यह केमिकल फ्री शुगर होता है, यह आयुर्वेदिक तरीका से बनाया जाता है। तो दोस्तों यह देसी खांड अमेजोन से भी मिल जाता है, आपने ख़रीदना हो तो आप ख़रीद सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यह देखिए दोस्तों 580 ग्राम शुगर है, ये देखिए 2.25 लीटर पानी मैंने डाला है, तो 580 ग्राम में शुगर डालने जा रहा हूँ। दोस्तों बाकी हम ग्रेविटी चेक करने के बाद में डालेंगे क्योंकि दोस्तों जो मीठे फल होते हैं उनके गोल में शुगर कम डालता है, तो इस पुदीने के गोल में शुगर ज़्यादा डालेगा। तो दोस्तों अभी हम शुगर को ये देखिए कोसा पानी में घोल लेते हैं। यह देखिए दोस्तों, शुगर हमने घोल लिए है, अभी हम इसको जार में डाल देते हैं। तो दोस्तों बाकी जो घोल है वो भी हम डाल देते हैं इसमें। दोस्तों जो विदेशों के लोग होते हैं वो पल्प को क्षण देते हैं, सिर्फ पानी पानी ही डालते हैं, लेकिन दोस्तों मैं हमेशा साथ में पल्प भी फर्मेंट करता हूँ। तो ये देखिए, ये पुदीने के पत्ते मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ये मैं साथ में ही जार में डालूँगा, मैं इनके सहायता ही इनको फर्मेंट करूँगा, इससे ही ज़्यादा बढ़िया वाइन का फ्लेवर आता है। तो दोस्तों ये देखिए, मैं पत्ते भी साथ में डालने जा रहा हूँ। दोस्तों ये देखिए, मेरा जार ऊपर तक भर चुका है, ये देखिए ये पल्प वगैरह भी साथ में डाला है ना, थोड़ा पानी भी मैंने ज़्यादा डाल दिया था, तो ये देखिए ये ऊपर तक भर चुका है। तो गोल जो होता है वो जार के थोड़े गले से नीचे ही रखना होता है, नहीं तो उसका जो एयर लॉक है वो लॉक होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों इसका थोड़ा पानी मैं निकाल दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इसका भी हम ग्रेविटी चेक कर लेते हैं। दोस्तों इसका डेंसिटी 1090 आया है, यानी 1090 आया है। तो दोस्तों इसे 11% अल्कोहल बनेगा। दोस्तों मेरा पुराना हाइड्रोमीटर टूट गया था, तो ये मैंने न्यू हाइड्रोमीटर मंगवाया था, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा सा उससे नंबर में अलग है, तो इस पर भी मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। तो ये देखिए दोस्तों, इसका ग्रेविटी देखिए, ये 1090 आया है। तो दोस्तों अभी इसमें मैं थोड़ा शुगर और डाल लेता हूँ क्योंकि हमको 14% के करीब अल्कोहल चाहिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा और शुगर डाल लेता हूँ। यह देखिए दोस्तों, 195 ग्राम यानी कि 195 ग्राम शुगर में और इसमें डालने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस शुगर को भी पानी में घोल लेता हूँ। तो दोस्तों जार हमारा ज़्यादा भर चुका है, तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें से निकाल देता हूँ। जो 195 ग्राम और शुगर हमने घोला है वो अभी मैं जार में डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसकी अभी मैं दोबारा ग्रेविटी चेक कर लेता हूँ कि अभी इसकी ग्रेविटी क्या आ रहा है। तो दोस्तों ये देखिए, इस बार इसका ग्रेविटी 1020 आया है, तो इससे दोस्तों 15% अल्कोहल बनेगा। तो दोस्तों ये जो हाइड्रोमीटर है, ये पहले वाले हाइड्रोमीटर से थोड़ा अलग है, तो इस पर मैं किसी दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये हाइड्रोमीटर अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये मैं ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों हमको इतना ही ग्रेविटी चाहिए था,
तो चलिए दोस्तों अभी हम बाकी इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने पानी ही जार में डाला था, ये पत्ते नहीं अभी डाले थे, ये देखिए मैं पत्ते भी इसमें डाल लेता हूँ। दोस्तों पत्ते साथ में फर्मेंट हो गए तो ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर आएगा, तो ये देखिए मैं पत्ते इसमें डाल लेता हूँ। यह देखिए इतने पत्ते और ये पानी में इसमें ऐसे ही छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे जार में और कैपेसिटी नहीं है। तो दोस्तों इसमें मैं आधा नींबू डालूँगा, ये देखिए इसमें आधा नींबू डाल देना है। अगर आप चाहो तो नींबू का साथ जाने के सिट्रिक एसिड भी थोड़ा चुंटी भर डाल सकते हो, लेकिन मैं आधा नींबू डालने जा रहा हूँ। दोस्तों जो नींबू ज़्यादा फ्रेश नहीं है, इसमें बिल्कुल कम रसा निकल रहा है, इसलिए दोस्तों मैं पूरा नींबू डाल रहा हूँ। ये देखिए अगर आपका नींबू ज़्यादा रस वाला हो तो आप आधा भी डाल सकते हो। ये देखिए मैं पूरा नींबू डाल रहा हूँ, इसमें दोस्तों रसा बहुत कम है। ये देखिए जो गर्मी की वजह से ये सूखा हुआ है नींबू। दोस्तों अभी हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स भी डाल देते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा सा जो मैं दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक डालूंगा, और ये देखिए दो इसमें मैं हरा इलायची डालूंगा, और ये देखिए इसमें दो मैं छोटे छोटे लौंग डालूंगा। तो चलिए दोस्तों ये इंग्रेडिएंट्स भी इसमें डाल देते हैं। और दोस्तों इसमें मैं जेरेड स्टार का स्पेशल वाइन वाला ईस्ट डालने जा रहा हूँ। दोस्तों इस ईस्ट से वाइन या शराब की क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया बनती है, अल्कोहल भी हाई आता है। तो दोस्तों जो ब्रेड वाला ईस्ट होता है उससे क्वालिटी और अल्कोहल कम आता है, तो दोस्तों ये रेड स्टार वाला ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो दोस्तों ये अमेजोन से मिल जाता है, अगर आपने ख़रीदना हो तो आपको इसका बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू इसको ख़रीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों ईस्ट को इसमें डाल लेते हैं। दोस्तों आप ईस्ट को एक्टिवेट करके भी डाल सकते हो, ये देखिए मैं सीधा ही डाल रहा हूँ। दोस्तों ईस्ट को एक्टिवेट करके डालने से ये फर्मेंटेशन जल्दी स्टार्ट हो जाता है। ऐसा सीधा ही डालने में थोड़ा समय लेता है फर्मेंटेशन होने में, लेकिन मैं सीधा ही डाल रहा हूँ। आपका मर्जी है, चाहे आप इसको एक्टिवेट करके डाल लीजिएगा। तो दोस्तों ये देखिए इसमें से मैंने सिर्फ आधा पौना चमचे ही ईस्ट डाला है, तो जो बाकी है इसको मैं ऐसे रबर लगा कर रख लेता हूँ, किसी ड्राई जगह पर सेफ रख लेता हूँ, बाद में जब वाइन बनाता हूँ तो ये दोबारा काम आ जाता है। तो दोस्तों ये देखिए इसको भी मैं रबर लगा कर ऐसे ही रख लूँगा। तो दोस्तों अभी मैं इसके ऊपर एयरलॉक ट्यूब लगा देता हूँ। दोस्तों जो एयरलॉक ट्यूब मैंने घर में ही देसी जुगाड़ तरीका से बनाया था, अगर आपने भी बनाना सीखना हो तो आप हमारी वीडियो देखकर इसको बनाना सीख सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए जार को मैंने रख दिए हूँ, अभी ये 7-8 घंटा बाद ये फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। दोस्तों ये देखिए मैं 8-9 घंटा बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, ये देखिए इसका फर्मेंटेशन होना स्टार्ट हो चुका है, ये बहुत बढ़िया फर्मेंटेशन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों इसके एयरलॉक ट्यूब में भी बहुत बढ़िया बुलबुला उठ रहा है। तो दोस्तों कल मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना भूल गया था, आपके पास अगर कोई ड्राई फ्रूट जैसे मेवा मनक्का या सौगी हो तो आप इसमें डाल सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास ये काला मेवा है, तो मैं ये इसमें डाल देता हूँ, इससे इसका फ्लेवर और बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए मेवा मैंने धो लिए है, अभी इसमें मैं डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसको मैं अभी ऐसे ही 15 दिन के लिए छोड़ देता हूँ, 15 दिन बाद दोस्तों यह रेडी हो जाएगा। फिर दोस्तों इसको मैं फ़िल्टर करूँगा और बाद में इसको मैं डीकेंट करूँगा, और फिर दोस्तों इसको मैं पीकर इसका टेस्ट करके आपको बताऊँगा कि यह कैसा बना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।